आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर वेट टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। इस मकसद के लिए साल्ट को उसकी सॉल्युबिलिटी के लिहाज से मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाटर के अंदर कोशिश करते हैं, कोल्ड स्टेट में हल हो जाए, वेल एंड गुड, नहीं तो उसको फिर हीट करके देखते हैं, सॉल्युबल हो जाता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार है, और अगर नहीं सॉल्युबल होता तो फिर उसके अंदर डाइल्यूट एसीएल के अंदर उसको कोशिश करते हैं। यही मामला कोल्ड स्टेट में, फिर हार्ड स्टेट के अंदर, नहीं हल होता कंसंट्रेटेड एसीएल में, कोल्ड स्टेट में, हार्ड स्टेट में, नहीं हल होता डाइल्यूट HNO3 के अंदर, कोल्ड स्टेट में, हार्ड स्टेट में, अगर इसके अंदर भी हल नहीं होता तो फिर कंसंट्रेटेड HNO3 कोल्ड स्टेट, हार्ड स्टेट, और आखिर पे एक्वा रीजिया ट्राई करेंगे। एक्वा रीजिया बनता है 3 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए चंद बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, जहां तक मुमकिन हो साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें ताकि एक्वा सॉल्यूशन बनाया जा सके जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के तौर पे काम करेगा। दूसरी बात, अगर वो वाटर में हल नहीं होता, किसी दूसरे सॉल्वेंट में हल होता है, तो हर दफा नए सिरे से साल्ट लें, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें। अगर साल्ट कंसंट्रेटेड एसिल के अंदर डिसॉल्व हो तो उसमें फिर पानी डाल के उसको मजीद डाइल्यूट करें, फिर उस ओरिजिनल सॉल्यूशन को इस्तेमाल करें। अगर साल्ट एक्वा रीजिया के अंदर या कंसंट्रेटेड HNO3 के अंदर डिसॉल्व होता है तो फिर उसको इतना हीट करें कि एवेपोरेट करते, उसको ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद दोबारा उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालें ताकि उसको दोबारा ओरिजिनल सॉल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके।